हे गाइस, मैं निस्पुण राजपूत और इस वीडियो में आपके साथ में अपनी एक छोटी सी स्टार्टिंग की जर्नी शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर इफ यू आर एजेंसी ओनर और यू आर फ्रीलांसर या फिर अपने लिए मार्केटिंग में आप अपना फर्स्ट क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको एक थोड़ा सा आपको आइडिया देगा कि कितना पेशेंस चाहिए होता है जब हम इनिशियली अपना काम जो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, जब अपने आप को हम एंटर करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में टू मेक मनी ऑनलाइन। तो ये वीडियो बेसिकली उसके ऊपर ही है, मतलब पॉइंट है यहाँ पर, मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे जर्नी के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि अभी मैं डिजिटल रियल एस्टेट मार्केटिंग करता हूँ, रियल एस्टेट की मार्केटिंग स्पेसिफिकली उन्हीं बिजनेसेस ओनर के साथ में काम करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम मैं बाकी जो भी बिजनेसेस के लिए उनके लिए इतना वर्कआउट नहीं करता, बट एज अ कंसल्टेंट कुछ मेरे पास अगर है तो मैं श्योरली आई हेल्प देम। बट द माई मेन नीश जिस इंडस्ट्री में मेनली काम करता हूँ वो है अपना रियल एस्टेट। तो इनिशियली मतलब मेरे को कोई ऐसा पता नहीं था कि मैं रियल एस्टेट में काम करने वाला हूँ, मैं रियल एस्टेट में ही आगे चल के जो है रियल एस्टेट मार्केटिंग अच्छे से करूंगा एंड अच्छा रिजल्ट जनरेट कर भी पाऊंगा मेरे क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए भी। तो मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था आगे का, बस ये था कि मेरे को मेरा फर्स्ट क्लाइंट चाहिए एंड अच्छा क्लाइंट चाहिए। बट सो मैंने किया क्या वो आपको बता देता हूँ। कई बार मैं फ्रीलांसिंग की उस वीडियो में भी काफी कई बार मैं बोल चुका हूँ हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, तो वो मैंने अपनी जर्नी से सीख करके ही उसमें आपको बताया होगा। मैंने कई बार ये बोला था आपको कि जब अपना फर्स्ट क्लाइंट अगर आपको चाहिए, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी नहीं, तो फ्री में काम करो इनिशियली, बिकॉज एक बार आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, एक बार आपने रिजल्ट जनरेट कर लिया देन आप यू कैन थिंक क्या ठीक है मेरे को आप चार्ज करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक बार एक ही बार आपको काम करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा जिंदगी भर काम करते रहो उसी क्लाइंट के लिए फ्री में, या फिर 6-7 महीने फ्री में काम करते रहो, सिर्फ 1 मंथ या फिर हो सके तो उससे भी कम करने की कोशिश करो, 15 दिन 20 दिन जैसे भी आपको जमे। सो मैंने भी वैसा ही कुछ किया है। मैंने इनिशियली जब मैंने कुछ ऑफर एक लॉन्च किया था कि भाई आप जो है अपनी मार्केटिंग करा सकते हो मेरे से, फेसबुक ऐड चला सकते हो। रियल एस्टेट का कुछ भी ऐसा नहीं था कि भाई रियल एस्टेट के लिए, या फिर मैंने सोचा मेरे को किसी भी बिजनेस का मिल जाए मेरे लिए काफी है। तो मैंने ये ऑफर दिया था कि आप जो है फेसबुक ऐड मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो जो अपने फेसबुक ग्रुप्स आते हैं उन ग्रुप पर मैंने एक छोटा सिंपल सा मैसेज डाल दिया था, 10-15 ग्रुप्स, उसमें सिंपली डाला था कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग या फिर हम बोल सकते हैं फ्री FB एड्स मेरी तरफ से आपको मिलेगा, कॉन्टेक्ट मी। जैसे आपको एड बजट जो है कवर करना है, जो एड के ऊपर स्पेंड किया जाता है वो आपको कवर करना है, जो मेरी फीस है वो मैं नहीं लूंगा, ऐसा मैंने मेंशन नहीं किया था मैसेज में, बिकॉज मेरे को पता है कई बार लोग लाइक बोलेंगे यार इसको पैसा देने है, फ्री क्या है इसमें। कई बार लोगों ने मेरे को ये भी बोला था फ्री क्या है इसमें, तो बेसिकली दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो उनका एड स्पेंड है वो भी मैं ही अपने जेब से दूँ, एंड अगर रिजल्ट नहीं भी आया आपको अच्छा लगो या ना लगो, इनडायरेक्टली मैं अपना लॉस करा के आपको बिजनेस दे, ऐसे कुछ लोग मिले थे मेरे को। बट एनीवेज उन लोगों को छोड़ करके कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिनको पता है कि एड बजट अलग होता है, एड फीस अलग होती है, बिकॉज एड बजट यानी पूरा वो स्पेंड हम फेसबुक को देने वाले, जस्ट मैं जो काम कर रहा हूँ मैं सही ढंग से काम कर रहा हूँ इसलिए आप मेरे को फीस दे रहे हो, मेरे को पता है कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे अच्छे से यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हम ला सकते, इसलिए आप मेरे को फीस दे रहे हो, आई एम जस्ट योर पर्सन एंड दैट्स इट, यही चीज होती है। तो उनको वो पता नहीं था, तो काफी सारे लोग आए दे थिंक कि कुछ प्रे नहीं है तो दे इग्नोर। तो आफ्टर 2 to 3 days एक पर्सन आए एंड वो थे रियल एस्टेट में एंड ही मैसेज मी कि पवन आई एम इंटरेस्टेड। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किया व्हाट्सएप पे, फिर हमने उन्होंने प्रोजेक्ट डिटेल मेरे को सबसे पहले तो सेंड कर दिया, बोला इसको स्टडी करो एंड फिर इसके बाद इसके ऊपर हम वर्कआउट कर, बोला ठीक है। मैंने स्टडी कर लिया पूरा रियल एस्टेट का था, तो मेरे को स्क्वायर FT और लोकेशन और वो क्या आवास योजना वगैरह वगैरह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें, प्रोजेक्ट का नेम, कोड नेम, प्रोजेक्ट की डिटेल, सौ तरीके की चीज़ें उन्होंने सेंड करी, तो मैं कन्फ्यूज होगा भाई मतलब क्या है क्या चाहते क्या मैं क्या करूँ। बेसिकली फेसबुक ऐड चलाने का था वो मेरे को समझ गया ठीक है। और कॉल पे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है पवन आप ऐड चलाओ, तो आपको क्या लगता है कितना स्पेंड करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो बात थी, ये बात थी 2019 की और ठीक है, और जब मैं कुछ 16 ईयर ओल्ड अराउंड था, मेरा रनिंग में था
16 ईयर ओल्ड मतलब था मैं, आई मीन से 16 मेरा रनिंग में था। एंड 2019 की बात है, काफी पुरानी बात है। फिर तो मैंने, उन्होंने मेरे को पूछा कि कितना कुछ लगाना चाहिए आपने पहले काम करने। बोले नहीं सर फ्री है, अगर आपको अच्छा लगा है लगता है तो फिर आप 2nd मंथ से मेरे को अपनी फीस जो है इतनी इतनी है वो देनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, हाँ मैं एग्री वगैरह हो गया। तो ठीक है, फिर हमने काम स्टार्ट किया। और अब उनका जो बजट था, मैंने बोला सर कुछ भी अमाउंट आप लगा सकते हैं, रियल स्टेट है तो अभी मैं क्या ही बोलूँ क्योंकि मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है पवन, आप 500 रुपीज लगा के देखो 7-8 दिन के, 10 दिन के लिए 500 रुपीज। मेरे को भी कुछ इतना पता नहीं था कि भाई 500 रुपीज में क्या कुछ होएगा कैसे होएगा। मैंने बोला कि बहुत कम हो गया सर, जब मैं फेसबुक ऐड सेटअप करते बैठा तब तो फेसबुक ने ही एरर दे दिया कि 500 मतलब वेरी लेस, मतलब जो टाइम फ्रेम आप दे रहे हो फेसबुक को, फेसबुक का कहना है कि 2 से 3 दिन में हम अमाउंट खर्चा कर देंगे तो ठीक है, बट उनका कहना था कि 5 से 6 दिन 10 दिन तक आप चलाओ 500 रुपीज को, पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बोला पॉसिबल ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है 2 से 3 ट्राई करके देखते हैं। फिर 500 रुपीज मैंने एड रन किया एंड उनको 500 मेरे को जहाँ तक याद है ठीक से, अच्छा 100% याद नहीं है। और मैंने आपके लिए वहां से पहले वो एड फाइंड करने की कोशिश किया, वो कैंपेन फाइंड करने की कोशिश की, शेयर कर सकता हूँ ऊपर से आपको। अराउंड हमने जो है मैं 10 से 15 लीड जनरेट करे थे उस टाइम पे, लीड्स जनरेट करे थे प्रोजेक्ट के लिए। एक सिंपल ऐड बनाई थी, ऐड कॉपी सब कुछ मैंने अप्रूवल ले लिया था उनसे, और मतलब क्रिएटिव सब कुछ मैंने ही बनाया था। 2019 में जो 1,000 लोगों तक पहुंचने की जो कॉस्ट थी फेसबुक के ऊपर काफी कम थी, इसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे सिर्फ 500 रुपये में 10 से 15 लीड, उसका CPL अराउंड 50 रुपीज कुछ था। तो उस टाइम पे मेरे को काफी अच्छा लगा कि यार मैंने फेसबुक ऐड चलाया और इतने कम कॉस्ट पर लीड में लाई। एंड मेरे को पता नहीं था कि वो एक जॉब पर्सन है, मेरे को लगा कि मतलब ये जो 50 लाख की चीज बेच रहे हैं ये, तो ऑब्वियसली अगर ये एक भी सेल होती है तो अच्छा खासा अमाउंट कमाएंगे, तो मैं तो इनको अच्छा खासा चार्ज कर पाऊंगा, मैंने ऐसा सोच लिया था। तो हुआ ये कि काम हुआ 3 दिन, उनको अच्छा लगा, उन्होंने फीडबैक भी दिया। एंड फीडबैक से फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला, उन्होंने बोला पवन ठीक है बता दो आप कितना कुछ चार्ज लोगे, क्या बजट रखना चाहिए वगैरह, आगे कंटिन्यू करते। तो मैंने बोला कि मेरे को लगता है ना 1 लाख रुपीज पर मंथ स्पेंड करना चाहिए और आधे में रख लूंगा, आधे ऐड के ऊपर लगा दूंगा। सो मैंने बोला नहीं पवन पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बिकॉज उनकी आई एम नॉट श्योर बट उनके कोई मतलब जॉब पोजीशन जब मेरे को पता चली तो मेरे को समझ में आ रही कि उतनी सैलरी भी नहीं है जो मैंने अमाउंट उनको बोली थी। तो ऑब्वियसली वो तो इतना अमाउंट नहीं लगाने वाले थे, आज समझ में आता है। उस टाइम पे बुरा लगा कि उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि मेरे को लगा कि यार 50 लाख की चीज बेच रहे हैं, हाँ और इतनी महंगी महंगी चीज बोल रहे हैं तो अच्छा खासा अमाउंट तो लगाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि 2-3 हजार 5-10 हजार में वो ऐसा सोचेंगे कि मेरे को लाखों की चीज मेरी बेच रहा हूँ। दैट्स कम्प्लीटली फाइन कि वो कमर्शियल बेसिस के ऊपर काम कर रहे, पर अगर ऐसा अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मेरे को 5 हजार में 50 लाख की चीज मेरे को मिलना है फिर सेल होना, तो ये तो मतलब पूरा भारी है, दिमाग के भारी है ऐसे लोग। अगर कोई आपको मिलते हैं अगर फ्रीलांसिंग में जिनका बजट है इतना सा और उनकी एक्सपेक्टेशन है बहुत बड़ी, तो प्लीज उनके साथ काम ही मत करो, वैसे लोगों के साथ भी बहुत हेडेक देंगे, मैंने एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद जो छोटे छोटे क्लाइंट जो आए मेरे ठीक ठाक, मैं बोलूंगा 3-5 थाउजेंड रुपीज के, बिकॉज दैट टाइम इट्स अ काइंड ऑफ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी। सो बहुत हेडेक देते वैसे लोग, बिकॉज वो पैसे लगा रहे नहीं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग बहुत कम प्राइस पे। वो सोचते हैं कि मैं क्या कुछ कर जाऊंगा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपने तो मतलब मेरे को 10 रुपये में लीड देने को ना, ऐसे सोचने वाले लोग थे। तो उनके साथ काम ही मत करो, बिकॉज वो है ना 1 महीना लगाएंगे, 1 महीने पे ठीक से नहीं लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे छोड़ देंगे, 2,000-3,000 लगाएंगे, बिकॉज वो खुद ही नहीं कमाते हैं उतना, तो वो क्या क्या ही लगाएंगे बड़ी अमाउंट, राइट। एंड दे आर सेइंग कि हम रियल एस्टेट में 10 साल से है, 15 साल से, 20 साल से, और वो सब चीजें। तो आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 10-15 साल में रियल एस्टेट में अगर वो 50-1 लाख रुपए नहीं लगा पा रहे रियल एस्टेट में, सो दे आर सेइंग कि हम रियल एस्टेट में काफी लाखों करोड़ों की हमने डील्स क्लोज की है, बट मेरा बजट ही नहीं है 1 लाख का, मेरा बजट ही नहीं है, इवन 10 हजार का मेरा बजट नहीं है, ऐसे लोग भी मैंने देखे। सो जस्ट इग्नोर देम, आई वुड से कि ऐसे लोगों के साथ काम ही मत कर रहा। बट ये मेरे फर्स्ट क्लाइंट की आपको जर्नी बताई, एंड ओवर एक्सपेक्टेशन मैंने किया था इनिशियली, तो वो मत करना आप,
एंड ओवर एक्साइटमेंट भी हो गई थी मेरे को, वो भी मत करना। एंड बिल्कुल भी मतलब ऐसा क्लाइंट को प्रॉमिस मत करना, उसका बजट बहुत कम है और वो सोच रहा है कि मेरे को कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। ऐसा अगर कोई क्लाइंट मिलता है, साफ साफ मना कर दो, काम मत करो, इवन वो आपका फर्स्ट क्लाइंट क्यों ना हो। एंड जो भी आपकी प्राइसिंग है, वो पहले क्लाइंट को बता दो कि मेरी ये प्राइसिंग है और मैं ना फ्री में काम कर रहा, बस इतने इतने दिन के लिए ही कर रहा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे। बट आप ये भी कर सकते हो, क्लाइंट को बोल सकते हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। एड एड जो एड पे अमाउंट लगाना पड़ता है, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। बट जो बाकी मेरी फीस है, जो मेरी इनकम है, वो मैं आपसे चार्ज नहीं करने वाला, वो भी आप फिर क्लाइंट को बता सकते हो। फर्स्ट क्लाइंट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 2 से 3 4 क्लाइंट के लिए करते जाओ, बस फर्स्ट क्लाइंट को है ना आप अपना अच्छा रिजल्ट दोगे, ऑब्वियसली उसको पसंद आएगा, वो आपके हाथ कंटिन्यू करेंगे। एक क्लाइंट यहाँ पर फिक्स हो गया, फिर तो आप वो क्लाइंट का फीडबैक, वो क्लाइंट का रिजल्ट यूज करके आप और भी क्लाइंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा माई फर्स्ट क्लाइंट आपकी स्टोरी कैसे मैंने पाया, एंड कुछ लर्निंग्स आपको पूरी मिली हो। अगर कुछ डाउट है इस वीडियो में, कुछ लाइक आपको मेरे को सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आप मेरे से पर्सनल हेल्प चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो मेरे को DM करो इंस्टाग्राम के ऊपर। सो सी यू अदर वीडियो। थैंक यू सो मच।